हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा की बायोग्राफी के बारे में। गुलजारी लाल नंदा जी की जीवनी देखते हैं हम लोग। इनके जन्म की बात करें तो 4 जुलाई 1858 में पेशावर में आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था इनका। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 25 जनवरी 1998 में हुई अहमदाबाद गुजरात में। कार्यक्षेत्र की बात करें तो भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जी। अब गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनेता और शिक्षाविद थे जिन्हें सिविक मुद्दों की गहरी पकड़ थी। अपनी साफ सुधरी सुधरी छवि और कांग्रेस पार्टी के प्रति सदैव समर्पित गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए। पहली बार की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री तब बने जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। सदा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का सिद्धांत था। राजनीति के अलावा उन्होंने शिक्षा और मजेदार संगठन के क्षेत्र में भी कार्य किया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में शिक्षण कार्य किया और सन 1922 से 1946 तक वे अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स उद्योग में श्रमिक एसोसिएशन के सचिव भी रहे। वह श्रमिकों की समस्याओं को लेकर हमेशा जागरूक और तत्पर रहे और उन समस्याओं के निदान का प्रयास भी रहे। अब इनके जीवन की बात करें तो चार जो गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट अब पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता बुलाकी राम नंदा और माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने सियालकोट में ग्रहण करके बाद में नंदा ने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने आगरा और अमृतसर में भी अध्ययन किया। उन्होंने कला वर्ग में स्नातक किया और कानून की स्नातक LLB उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने सैमिक समस्याओं पर शोध किया और सन 1921 में बॉम्बे के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। इनके विवाह की बात करें तो सन 1916 में लक्ष्मी देवी के साथ करा दिया गया था इनका विवाह। सन 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और सन 1922 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल मजदूर संघ का सचिव चुने गए। इस पद पर वे सन 1946 तक कार्य करते रहे। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की बात करें तो इनके गुलजारी लाल नंदा ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने सन 1932 में गिरफ्तार कर लिया, जेल डाल दिया गया था उन्हें। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। सन 1944 तक जेल में रखे गए। सन 1937 में उन्हें बॉम्बे विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने 1937 और 39 के मध्य बॉम्बे सरकार में संसदीय सचिव, श्रम और उत्पाद शुल्क का कार्य किया। बॉम्बे सरकार में श्रम मंत्री के तौर पर उन्होंने श्रम में विवाद विधेयक को सफलतापूर्वक पास कराया। वे हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ का सचिव और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष भी रहे। वे राष्ट्रीय योजना समिति के सदस्य भी रहे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। बाद में वे इसके अध्यक्ष भी बने। सन 1947 में
नंदा को सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसी दौरान उन्होंने सैमिक और आवासीय व्यवस्था के अध्ययन के लिए स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। सन 1950 में नंदा का योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। सन 1951 में उन्होंने केंद्र सरकार में योजना मंत्री का पद दिया। उन्हें सिंचाई और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सन 1952 में वे बॉम्बे में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र में पुनः योजना और सिंचाई ऊर्जा मंत्री बनाए गए। उन्नीस सौ छियालीस के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नंदा विजयी हुए, पुनः केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री बनाए गए। ठीक, उन्हें केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री का कार्यभार संभाला गया। बाद में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब सन 1962 की बात करें, 1962 के लोकसभा चुनाव में वे सावर कंठा में से चुने गए और सन 1962-63 में श्रम और रोजगार, सन 1963-64 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल देखें, गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। दोनों बार 13 दिन के लिए। पहली बार उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में बनाया गया और दूसरी बार भी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। इनके, गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं देख लेते हैं। टाइमलाइन, 4 जुलाई को गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ 1898 में। 1921 में नेशनल कॉलेज बॉम्बे में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। 1922 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ का सचिव चुने गए जी। 1932 में 17 अगस्त आंदोलन भाग लेने के लिए सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। फिर 1937 में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। 1937 में सेम और उत्पादन शुल्क 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 के संसदीय सचिव चुने गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए। 1944 में स्वाधीनता आंदोलन में लिप्त होने की वजह से सरकार ने फिर गिरफ्तार किया उन्हें। 1946 में बॉम्बे सरकार में सैम मंत्री नियुक्त किए गए। 1947 में स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सैमिक सम्मेलन में शिरकत की इन्होंने। 1950 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए। 1951 में भारत सरकार में योजना मंत्री बनाए गए वो। 1952 की बात करें तो भारत सरकार में योजना सिंचाई ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 1955 में योजना परामर्शदायी दात्री समिति की अध्यक्षता के लिए सिंगापुर गए वो। 1957 में भारत सरकार में श्रम रोजगार और योजना मंत्री बने। और सन 1959 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सैमिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। उन्नीस सौ बासठ में गुजरात के साबरकंठा में से लोकसभा चुनाव में विजय रहे। 1962 में श्रम केंद्र में श्रम और रोजगार मंत्री रहे। 1963 में केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाए गए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गए। 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया ने, और 15 जुलाई को अंतिम सांस ली 1998 में इन्होंने। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थी गुलजारी लाल नंदा जी की जीवनी, बायोग्राफी।